अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 25 है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको व्हाट इज प्रोग्राम बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को व्यूअर्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्यूअर्स, बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ रابطے का यानी कि एक जरिया है। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर के साथ जिस चीज से रابطہ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब प्रोग्राम के बारे में बहुत ज्यादा शॉर्टली आपको बताया था, ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम बेसिकली एक बहुत छोटा हिस्सा है, उसे मुकम्मल करने के लिए मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ इस लेक्चर में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। तो देखते हैं, पहले जो आपके सामने मैंने एक डेफिनेशन इसकी बतौर लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें यह क्या कह रहा है, उसके बाद कुछ मैं यानी कि आपको और ज्यादा डिटेल से हम लोग डीपली देखेंगे। अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग जो वर्ड्स और सिंबल्स यानी कि अलामतें प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसी को प्रोग्राम लैंग्वेज कहा जाता है। यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो हम लोग वर्ड्स यानी कि लफ्ज और सिंबल्स यानी कि अलामतें इस्तेमाल करते हैं उसी को प्रोग्राम लैंग्वेज कहा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर रिटन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सी प्रोग्राम लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, यानी कि दस्तयाब है। दी प्रोग्राम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसके यानी कि कानून और कायदे ज़ाबित के मुताबिक ही हम लोग वो प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज्ड फॉर रिटन बिजनेस प्रोग्राम्स। कुछ जुबानें बिजनेस प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर रिटन साइंटिफिक प्रोग्राम्स। ठीक है, और इसी तरह कुछ जुबानें साइंटिफिक प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक लैंग्वेज जो एक एप्लीकेशन के लिए नहायत मौजू हो, ज़रूरी नहीं कि दूसरी लैंग्वेज के लिए भी वो उतनी ही ज़्यादा, यानी कि दूसरा जो हम लोग कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए भी उतनी ज़्यादा बेहतर हो। तो इसलिए बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए हम लोग अलहदा लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिक प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हम लोग अलहदा करते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि दो तरह की लैंग्वेजेस इस टाइम हमारे पास हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली अगर मैं इसको और ज़रा डीपली आपके साथ डिस्कस करूँ व्यूअर्स, तो कंप्यूटर यूजर की जरूरियात के लिहाज से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकता है। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर को जो भी हदायत देंगे कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरह काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को बेसिकली नहीं पता कि उसे क्या करना है। ठीक है, जो हदायत आप उसे देंगे वो उसी के मुताबिक काम करेगा। इन कामों को सरंजाम देने के लिए कंप्यूटर की हदायत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि आपने उसे कोई भी काम कहना है, ठीक है, तो उस काम को पूरा करने के लिए उसे कुछ हदायत चाहिए जिसके मुताबिक वो काम करेगा, जो कि उसे बताती हैं कि मतलूबा काम किस तरह करना है। किसी मसले को हल करने के लिए हदायत का सेट कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी मसले को हल करने के लिए उसे जो हदायत दे रहे हैं, ठीक है, जो हदायत का आपने एक सेट दिया है उसको, उसी को हम लोग बेसिकली प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हदायत को एक मखसूस आर्डर में लिखने के लिए एक फॉर्मेट बयान करती है। यानी कि अगर आप किसी भी यानी कि एक प्रोग्राम को आप मुकम्मल एक रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक लिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक बात बता दी, दूसरे पॉइंट के अंदर एक बात बता दी, तो ये जो मखसूस आर्डर आप इसे दे रहे हैं, ठीक है, यही प्रोग्राम लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, यही प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिन्हें कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है, करता है। ठीक है, यानी कि आप प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब्दील होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि जिन्हें कंप्यूटर एग्जीक्यूट उसी से किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, जो कि बेसिकली मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर के साथ रابطے का एक वाहिद जरिया है हमारे पास। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में
समझ आ चुका होगा, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आगे हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इनके साथ में इनकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात करूंगा और इनकी टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर आपके माइंड में बिल्कुल यानी कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह तमाम की तमाम ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही लेक्चर के अंदर आपके सारे के सारे यानी कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। अक्सर ये होता है कि कुछ सवालों के जवाब हमें एक चैप्टर यानी कि हमारी एक क्लास से मिल जाते हैं, कुछ हमें अगली क्लास से मिलते हैं, कुछ हमें अगली क्लास से मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको हर क्लास को फॉलो करना होगा अपने हर सवाल के जवाब के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी सवाल ठीक है बनता है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही क्लास के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज़ आपकी क्लियर होती चलेगी। इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है, और अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां तक हो सके मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना व्यूअर्स मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और व्यूअर्स अगर आप कंप्यूटर के 9th के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके यहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट का नाम www.lastuproduction.com, यहाँ पर आने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर आप आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। 9th कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास हमारे 9th के नोट्स आ जाएंगे। ये यहाँ पे PDF फाइल में भी पढ़े, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड नाउ सर्वर वन के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी वेबसाइट से आप कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह भी डाउनलोड करना चाहते हैं। और जरूरी हिदायत मैं आपको देता चलूँ कि अगर हमारी वेबसाइट पर कोई भी लिंक या कोई भी डाउनलोड बटन या किसी भी तरह का आपको कोई एरर शो हो रहा हो, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको हर पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया वहां पर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एरर वगैरह आ रहा होगा वो इंशाल्लाह कुछ घंटों में या कुछ सेकंड्स में आपके लिए दोबारा इस्तेमाल काबिल बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।